Assalamu alaikum. Dear viewers and students, welcome back to EduHub. Shahzad Tabassum is here. Today we are going to resume second lesson of English Book 1 first year. Dear students and viewers, please don't forget to subscribe and like my channel so that you may get more and more videos in future. Now let's come to the lesson. The name of the lesson is Clearing in the Sky and it is written by Jesse Stewart, as you already know. Today we are going to start the lesson from this passage or paragraph. Let's look at the lines. Then above the tomatoes were a half dozen rows of yams. Rows kehte hain queues ko, kataron ko. Aur half dozen kehte hain six ko. कि फिर टमाटरों से आगे कचालों की छह कतारें थीं. यैम कहते हैं स्वीट पोटैटो को भी, उसे शकरकंदी भी कहा जाता है. अबव द यैम्स वर परहैप्स थ्री डजन रोज ऑफ पोटैटोज. डजन कहते हैं सिक्स को, सॉरी अ सेट ऑफ ट्वेल्व को, कि बारह का एक सेट जो है वो डजन कहलाता है, उसे दर्जन भी कहा जाता है. और रोज़ कहते हैं क्यूज़ को, कतारों को. कि उन कचालों से आगे शायद आलू की तीन दर्जन कतारें मौजूद थीं. आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच. वीड कहते हैं वाइल्ड प्लांट को, दैट ग्रोज इन फील्ड्स और गार्डन्स एंड प्रिवेंट्स द प्लांट दैट यू वांट फ्रॉम ग्रोइंग अप प्रॉपरली. कि मतलब ये जड़ी बूटियां हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाती हैं और खेत की पैदावार जो है वो नहायत कम हो जाती है. आई लॉफ्ट, मैंने हंसते हुए कहा कि अब्बा इस खेत में जड़ी बूटी का तो निशान तक मौजूद नहीं है. मतलब ये खराज तहसीन था कि वो लोग क्या हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती थे, कि बूढ़े ने फार्म पे इतनी मेहनत की थी कि वहाँ पे जड़ी बूटी का नामो निशान तक मौजूद नहीं था. Won't they grow here? मैंने मजाकन कहा कि अब्बा क्या यहाँ पे जड़ी बूटियाँ नहीं उगती. I won't let them, he said. वो कहने लगे कि मैं उन्हें उगने ही नहीं देता. Now this is what I have been wanting you to see. उसने कहा यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था. This is the cleanest patch I have ever seen. I bragged. क्लिनिस्ट कहते हैं जड़ी बूटियों से पाक. मैंने भी फख्र से कहा कि मैंने आज तक इतना साफ सुथरा खेत नहीं देखा, या इतना जड़ी बूटियों से पाक खेत नहीं देखा. बट आई स्टिल डोंट सी आई कैंट अंडरस्टैंड. कि मुझे अब भी समझ नहीं आई व्हाई यू क्लाइम द टॉप ऑफ दिस माउंटेन टू क्लियर दिस पैच. पैच कहते हैं फील्ड को या खेत को. कि आप क्यों पहाड़ की चोटी पे चढ़े और इस खेत को आबाद किया. एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर. और आपने डॉक्टर्स की हिदायत की खुलम खुला खिलाफ वर्जी की. विच वन, ही आस्क्ड लाफिंग. अब्बा ने भी हंसते हुए पूछा कि बेटा कौन सा डॉक्टर. क्योंकि सबक में इस बात का तस्करा है ना कि जनवरी से लेके अप्रैल तक वो आठ मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास गए थे और डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने का मशवरा दिया था, मगर बूढ़ा उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था और वो काम में लगा रहा. देन ही सैट डाउन ऑन अ बिग ओक स्टम्प. स्टम्प कहते हैं द बॉटम पार्ट ऑफ अ ट्री लेफ्ट प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर मोस्ट ऑफ द ट्रंक हैज फॉलन और बीन कट डाउन. कि अगर दरख्त गिर जाए या उसे काट दिया जाए, उसका जो हिस्सा ज़मीन में रह जाता है उसे स्टम्प कहा जाता है. उर्दू में उसे डंठल भी कहते हैं. एंड आई सैट डाउन एन अ स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प नियर हिम. ओक कहते हैं शाहबलूत के दरख्त को और ब्लैक गम कहते हैं गूंद के दरख्त को. कि फिर मैं जो है एक डंठल पे बैठ गया और अब्बा भी मेरे साथ मौजूद दूसरे डंठल पे बैठ गए. कि वो दोनों जो है बातचीत करना चाह रहे थे और सस्ताना चाह रहे थे. This was the only place on the mountain where the sun could shine to the ground. कि ये पहाड़ पे वाहिद जगह थी जहाँ सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँच रही थी, वरना जंगल इतना घना था
के तारीकी फैली हुई थी. And on the lower side of the clearing, there was a rim of shadow over the rows of dark stalwart plants loaded with green tomatoes. Rim कहते हैं circle को, rows कहते हैं queues को, कतारों को, stalwart कहते हैं strong और sturdy, मजबूत, और green कहते हैं unripe को, कच्चे को. कि खेत के निचले जाने कच्चे टमाटरों से लदे तवाना पौधों पे साया फैला हुआ था. कि एक टेरेस फील्ड था, ये याद रखिए कि पहाड़ी इलाकों में टेरेस फील्ड होते हैं स्लोप की शक्ल में. व्हाट्स द रीजन फॉर यू प्लांटिंग दिस पैच अप हियर आई आस्क्ड. मैंने उनसे पूछा आपने ये खेत क्यों आबाद किया. तो अब्बा ने जवाब दिया 20 times इन माई लाइफ ही सेड. उन्होंने कहा जिंदगी में 20 मरतबा. अ डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी टू गो होम एंड बी विद माई फैमिली एज लॉन्ग एज आई कुड. कि डॉक्टर्स ने मुझसे कहा कि मैं घर तशरीफ ले जाऊं और अहले खाना के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारूं. मतलब डॉक्टर्स ने कहा कि मैं जो है पल दो पल का मेहमान हूं, किसी भी वक्त मेरा बुलावा आ सकता है. टोल्ड मी नॉट टू वर्क. डॉक्टर्स ने मुझे काम करने से मना किया. नॉट टू डू एनी थिंग बट टू लिव एंड एन्जॉय द फ्यू डेज आई हैड लेफ्ट विद मी. कि मैं कुछ भी ना करूं और ज़िंदगी के बकिया दिनों से लुत्फ़अंदोज़ हूं. इफ़ द डॉक्टर्स हैव बिन राइट ही सेड. उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर्स की बात ठीक होती. विंकिंग एट मी, विंक आंख से इशारा करना, आंख मारना मजाक के तौर पे या सीक्रेट शेयर करते हुए. आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स. चीट कहते हैं टू रिसीव. उन्होंने मुझे आंख मारते हुए कहा कि बेटा अगर डॉक्टर्स की बात ठीक होती तो मैं फिर मौत को 20 मरतबा धोखा दे चुका हूँ. कि बूढ़ा बीमारी या बुढ़ापे से हार मानने के लिए तैयार नहीं था. अलुल अज़्म लोग जो हैं वो ऐसे ही होते हैं कि जो राह की किसी मुश्किल को खातिर में नहीं लाते. नाउ आई हैव रीच्ड द इयर्स द गुड बुक अलाउज टू मैन इन हिज लाइफ टाइम अपॉन दिस अर्थ. गुड बुक कहते हैं बाइबल को, जो ईसाइयों की मुकद्दस किताब है. अब्बा ने कहा कि अब मैं बाइबल के मुताबिक इंसान की औसत उम्र को पहुंच चुका हूं. 60 years and 10. स्कोर कहते हैं सेट ऑफ 20 को. और 60 20 × 3 + 10 कि मेरी उम्र 70 हो चुकी है. ही गॉट इट फ्रॉम द स्टम्प. कि वो उस डंठल से उठ खड़े हुए. एंड वाइप द रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट फ्रॉम हिज रेड रिंकल्ड फेस विद हिज बिग ब्लू बेंडेना. वाइप कहते हैं टू क्लीन, टू ड्राई, पोंछना या साफ करना. स्वेट कहते हैं परस्पिरेशन को, पसीने को. रिंकल्ड कहते हैं पकर्ड को या हैविंग फोल्ड्स. के बुढ़ापे में जिल क्या है वो झुर्रियों ज़्यादा हो जाती है. और बंडेना कहते हैं बिग हैंकरचीफ. के एक बड़े से रुमाल को बंडेना कहा जाता. कि वो डेंटल से उठ खड़े हुए और अपने बड़े नीले रुमाल की मदद से सुर्ख झुर्रियों ज़्यादा चेहरे से पसीना साफ किया. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. इन समथिंग एल्स जेस. कि जेस एक बात और भी है. ही सेड, अब्बा ने कहा, मोशनिंग फॉर मी टू फॉलो हिम टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग. मुझे इशारा किया कि मैं उनके पीछे पीछे खेत की ऊपर वाली जानिब चलूं. पहले मैंने आपको बता दिया कि खेत क्या है, वो टेरेस है या स्लोप की शक्ल का है, इसलिए वो कह रहा है बार बार. यू वॉन्ट अंडरस्टैंड अनटिल यू रीच 60 and 10. अब्बा ने कहा कि तुम उस वक्त तक मेरी बात नहीं समझोगे जब तक खुद 70 के नहीं हो जाते. मतलब उन्होंने कहा एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं है. कि हर एज की अपनी फीलिंग्स हैं और तुम जब 70 को पहुंचोगे तो तब शायद तुम जान लो कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने इस खेत को आबाद किया. आफ्टर दीज ईयर्स योर टाइम इज़ बारोड. कि 70 की उम्र को पहुँचने के बाद आपका वक्त उधार पर चल रहा होता है. कि मतलब आप घड़ी दो घड़ी के मेहमान होते हैं. किसी भी वक्त आपका बुलावा आ सकता है, आप मर सकते हैं. एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम समथिंग गोज़ बैक. उसने कहा जब आप ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर आप माजी की तरफ लौटना चाहते हैं. समथिंग आई कैंट एक्सप्लेन. उसने कहा मैं इसे नाम नहीं दे सकता. नाम क्या होगा इसका, इसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं. कि आपको पास से मोहब्बत होती है. और बुढ़ापे में ज़ाहिर है मोस्टली यही होता है कि हम क्या है माजी में ही ज़िंदा रहते हैं. क्योंकि एक्टिव लाइफ गुजारना क्या है वो मुश्किल हो जाती है. अगरचे बूढ़ा अब भी एक्टिव ही लाइफ गुजार रहा है और उम्र से और बीमारी से हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार है.
यू गो बैक टू द प्लेसेस यू न्यू एंड लव, क्या आप अपनी पसंदीदा जगहों की तरफ लौटना चाहते हैं? सी दिस स्टीप हिल स्लोप, स्लोप कहते हैं इंक्लाइन को, ढलवान को, स्टीप कहते हैं ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर के समूदी पहाड़ी ढलवान को देखिए। He pointed down from the upper rim of the clearing towards the deep valley below. कि उन्होंने खेत की ऊपर वाले जानिब से नीचे मौजूद गहरी वादी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि your mother and I, when she was 19 and I was 22, cleared this mountain slope together. कि मैंने और तुम्हारी माँ ने, जब वो 19 साल की थी और मैं 22 साल का, हमने मिलकर इस पहाड़ी ढलवान को साफ किया। We raised corn, beans and pumpkins here, raised to grow. कि हमने यहाँ पे गल्ला, फलियाँ और कद्दू उगाए। He continued, वो बोलते रहे, his voice rising with excitement. Excitement कहते हैं enthusiasm को, और जोश से उनकी आवाज़ बुलंद होती गई। He talked with his hands too, कि वो हाथ नचा नचा के बात कर रहे थे, मतलब he was in his elements, कि वो जो हैं बड़े तयक्कुन से बात कर रहे थे, क्योंकि वो ज़मीन से मोहब्बत करते थे और इसके बारे में बात करना उन्हें अच्छा लगता था। Those were the days, उसने कहा, जेस वो बहुत शानदार दिन थे। This wasn't the land one had to build up, कि वो ज़मीन नहीं जिस पे मेहनत करना पड़े। It was already here as God had made it, कि ये तो खुदा का इनाम था। And we had to do was to clear the trees and burn the bush, कि हमें सिर्फ जो है दरख्त साफ़ करने थे और झाड़ियों को आग लगानी थी। कि उसका खुदा पे मुकम्मल ईमान है, कि वो ये कह रहा है कि ये सब कुछ खुदा की देन है और इस पे मेरा कोई कमाल नहीं है, इसलिए वो क्रेडिट लेने के लिए तैयार नहीं है। कि ये वो बिलीफ का इजहार है कि आमतौर पे किसान ऐसे ही होता है कि उन्हें जो है यकीन होता है प्रोविडेंस पे या फितरत पे। I plowed this mountain with cattle the first time it was ever plowed, कि मैं ही वो पहला शख्स था जिसने यहाँ पे हल चलाया। And we raised more than a barrel of corn to the shock. Barrel क्या है? एक पैमाने का नाम है। कि हमने जो है लोगों को हैरान कर दिया जब हमारी पैदावार एक बैरल से भी ज़्यादा थी। That's why I came back up here. यही वजह है कि मैं यहाँ वापस आया हूँ। I went back to our youth, कि मैं जवानी के दिनों की याद ताज़ा करना चाहता था। And this was the only land left like that was, और ये वाहिद ज़मीन थी जो उसी ज़मीन की मानित थी जिसे मैंने बरसों पहले आबाद किया था। आगे चलते हैं, आगे बेटा इसके साथ रीडिंग नोट्स हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं और इनमें जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले लेक्चर के साथ। टिल देन खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, सी यू लेटर।